सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल का सफ़र। आज हम जा रहे हैं रायपुर में ऐश्वर्या। आज हमारी गाड़ी का एक छोटा सा काम है, सेरेमिक कोटिंग जो मैंने रायपुर से कराई थी वो अपनी गाड़ी में हो चुकी है। आज हम उसका फर्स्ट सर्विस कराने जा रहे हैं, तो हम वहाँ जाके थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे और अपनी गाड़ी छोड़ेंगे और रात को फिर वहाँ से अपनी गाड़ी लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए इस व्लॉग को आगे तक, हम खूब मज़ा करेंगे वहाँ, खूब मॉल घूमेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, जो जो खाएंगे, जो जो घूमेंगे, जो जो मस्ती करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ऐश्वर्या आपको मिलती है आगे के व्लॉग में, बाय। तो ये रही गाड़ी अपनी, इसमें हम कराएंगे अभी अपनी फर्स्ट सर्विसिंग का, कोटिंग का जो है उसमें। देख सकते हैं आप, हल्के हल्के सोल मार्क्स आने लगे हैं अब गाड़ियों में, तो उसका काम है। अब शोरूम तो रायपुर में ही है, तो रायपुर ही जाना पड़ता है अपन को। अपन चलते हैं रायपुर की ओर। ऐश्वर्या हो गई है रेडी, गुड मॉर्निंग। अब आगे का व्लॉग वही संभालेगी, तब तक हम गाड़ी चलाएंगे और रायपुर पहुंचेंगे। बीच में कुछ खाते हैं, भूख जरूर लग रही है, तो आगे मैडम संभालेंगी व्लॉग, बाय। डीजल डीजल डाल दो आप, 2000 का, 2000 का डीजल डाल दो गाड़ी। गाड़ी में फ्यूल थोड़ा सा कम हो गया था, अपन चलते हैं, फ्यूल डला लिए हैं, अब चलेंगे अपन। भैया जीरो देख लीजिए। हाँ हाँ, जीरो डीजल में जीरो। पहुँच गए हैं जो रायपुर और बिलासपुर का मिट पड़ता है, और उसके बाद हम थोड़ी देर में रायपुर पहुँच जाएंगे। और फिर हम रायपुर जाके आज क्या क्या करते हैं वो हम सभी आपको दिखाएंगे, तो इस व्लॉग पे प्लीज बने रहिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जब भी रायपुर जाते हैं, मॉर्निंग में हो, दिन में हो, जब भी हो, तो हम यहाँ रुकते हैं और हम यहाँ से बिना नाश्ता किए नहीं जाते। तो हम वापस से पहुँच गए हैं माँ लक्ष्मी स्वीट्स तरपोंगी रबड़ी वाला। यहाँ का हमें नाश्ता और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। राहुल यहाँ आलू बंडा और चाय खाते हुए, और मेरे लिए डोसा बन के आ रहा है ऐश्वर्या के लिए। अभी हम आलू बंडा और चाय खा रहे हैं, उसके बाद जल्दी से जल्दी निकलेंगे क्योंकि अब टाइमिंग हो चुकी है हम लोग की गाड़ी की अपॉइंटमेंट का। पर मैं डोसा पूरा नहीं खा पाऊंगी, मैं आधा खा लूंगा। हाँ, आधा शुरू से खा पाएंगे। मेरा डोसा आ चुका है और अब मैं ये डोसा खाऊंगी और टेस्ट करके बताऊंगी कि यहाँ का डोसा कैसा है। कौन सा डोसा है? यहाँ पहली बार खा रही हूँ, मसाला डोसा ना। हाँ मसाला। तो ऐश्वर्या कैसा लग रहा है तुमको ये डोसा? बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी है। डोसा खा रही है, देखो कैसे। मैं सिर्फ ऐसे ही खाती हूँ, मसाले नहीं खाती। अच्छा बना है, बहुत टेस्टी सच में। मेरी चाय हो गई खत्म, अब ऐश्वर्या खाएगी जल्दी से अपना डोसा, फिर हम लोग चलेंगे। देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगती है गाड़ियों की। तो चले गए हम यहाँ से, अब निकल चुके हैं, अब रायपुर की ओर हम चलते हैं। हम लोग ने खाया है डोसा, एक प्लेट अपना आलू गुंडा, और अब यहाँ से हम निकलते हैं। हमारा 90 रुपये का बिल बना, मस्त रहो, हमारा बढ़िया पेट भर गया दोनों का। हम आगे मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, चलो चले। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, सेरेमिक प्रो। तो हमने अपनी गाड़ी दे दी है इन्हें, अब ये लेके जाएंगे, पिक करेंगे हमारी गाड़ी। हो गई है पिक, अभी जाएगी, कोटिंग होके आ जाएगी शाम तक, बाय। चलो ऐश्वर्या, अब ऐश्वर्या अपनी बहन के घर आ चुकी है, अपनी बहन के घर जाएगी ऐश्वर्या, शीनू बहन से मिलेगी, झोले शंकर के साथ ऐश्वर्या। कौन है सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हैं? मेरी बुबू नाइट ड्यूटी करके आई थी और वो सो ली थी। चलो चलो अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं शिवू बहन के यहाँ, और ऐश्वर्या ने अभी बनाया है अंडे की करी, और शिवू बहन कर रही है यहाँ पे प्यारा प्यारा अंडा, और इसमें बना है हमारा पुलाव, इसमें बना है पुलाव, और ये है सब्जी अंडे की शानदार, और ये है अंडा, दिखाओ पुलाव। और ये बन चुका है पुलाव शानदार। खाना तो हम लोग खा लिए थे, मगर हमको और खाने का मन हुआ, तो हमने अभी जस्ट ये पिज़्ज़ा मंगाया है, अब हम इस पिज़्ज़ा को भी खाएंगे भोक्कड़ों की तरह। कहाँ आया ऐश्वर्या? ऐश्वर्या आ गई है डिकैथलॉन,
अब हम जाते हैं डेकैथलॉन में, कुछ देखते हैं, कुछ एडवेंचरस हमारी जो चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे सुंदर से कोर्ट बना हुआ है, अब चलते हैं अंदर। अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ लेने लायक है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ही अभी राहुल ने 35,000 का परचेस करके आए हैं यहीं से ही, लास्ट टाइम जब वो रायपुर विजिट कर रहे थे। तो देख सकते हो सुंदर से ये कैप्स, ये कैप्स अच्छा लग रहा है, ऐश्वर्या कैप पसंद कर रही है, अच्छे है ना। देख सकते हो गाइस हेलीकॉप्टर का पंखा लग गया है, हवा ही हवा। तो ऐश्वर्या और मैं आ चुके हैं यहाँ पे, क्या करूँ, मैं और ऐश्वर्या आ चुके हैं अंबुजा मॉल। देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ये मॉल है, यहाँ पे हम लोग घूमेंगे, टेस्ट करेंगे। और ऐश्वर्या और मैं आए थे घूमते घूमते, हम लोग को फिर से भूख लग गई, तो हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा हट, बैठे हैं पिज़्ज़ा हट में अंबुजा मॉल में ऐश्वर्या के साथ। और मैंने बोला KFC, अब हम खाएंगे KFC, इसके बाद नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं मैंने वही खाना था, हाँ तो वही खा लो जाओ। तो हम लोगों का आ गया है अभी पेरी पेरी विंग्स, और ऐश्वर्या सोच रही थी पता नहीं कैसा बनाएगा कैसा नहीं, अभी देखो इसके मुँह में हंसी, अब ये खुश है। टेस्ट करके बताओ तो कैसा लग रहा है। नहीं नहीं पहले बोली थी अच्छा नहीं है ना, अच्छा है, अच्छा एक्टिंग है। तो देखो एक्टिंग तो देखो दोस्तों, इधर देखो मैं और ऐश्वर्या खा रहे हैं अभी गुलकंद वाली कुल्फी। कैसा है ऐश्वर्या कुल्फी? नाइस, बढ़िया। और पीछे देख सकते हो आप कितना सुंदर सा ये फवारा चल रहा है, हम लोग बैठ के कुल्फी का मजा ले रहे हैं, और पता नहीं चाचा म्यूजिक ही नहीं बजा रहे हैं। ये गाड़ी क्लीन, अब इसके बाद इसमें होगा कोटिंग, अब कोटिंग होने के बाद देखिएगा आप गाड़ी का जो लुक आता है वही आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए गाड़ी धूल, अब इसके बाद ये पूरी मिरर लुक हो जाएगी गाड़ी। हमारे भाई लोग गाड़ी धो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिए अंदर गाड़ी को, अंदर कोटिंग हो चुकी है, अब बाहर की कोटिंग। तो अपनी गाड़ी का हो गया है सेरेमिक कोटिंग का काम, फर्स्ट सर्विसिंग का इसका। देख सकते हो कैसा पैक्ड है, पूरा मॉइस्चर इसमें ना आए, शाइन वैसी बरकरार रहे, पूरी पैक्ड हो चुकी है गाड़ी। अब इस गाड़ी को तो देख सकते हो ऐसा पूरा फोल्ड करके रखा जाता है इसको, तो कवर अप करके, ताकि एक दिन मॉइस्चर ना आए। विदाउट स्क्रैच, एकदम जीरो स्क्रैच हो गई, विदाउट सोल मार, दिख रहे क्या ही दिख रही है भाई गाड़ी, अलग ही। अच्छा ना वो सर, अच्छा ना, देख लिए? हाँ देख रही। तो गाइस हमने अपनी गाड़ी ले ली है और अब हम मैग्नेटो मॉल आए हैं, थोड़ा सा यहाँ भी हम घूम लेते हैं। देख सकते हो यहाँ का कितना सुंदर सा डेकोरेशन है ना, बहुत ज्यादा सुंदर। मेरे को लग रहा है ना ये ना क्रिसमस के लिए ही सजा रहे हैं ना, क्रिसमस के लिए सजा रहे हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं और जाके क्या करते हैं, कुछ लेते हैं या सिर्फ घूमते हैं, वो हम आपको आगे के व्लॉग पे दिखाते हैं। मैंने लोफा से ग्लासेस की शॉपिंग की है और एक नाइफ की शॉपिंग की है, मैं
घर जाके अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को ग्लासेस दिखाऊंगी। और लोफा में अच्छी ऑफर्स भी चल रही हैं। तो मैं आपको एक सबसे स्पेशल चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मुझे मैग्नेटो मॉल में दिखा है। और राहुल आप कैमरा इधर कीजिए और ये दिखाइए, चरनी, ऋषि पप्पा की चरनी, बहुत ही सुंदर है ना ऐश्वर्या। मदर मैरी, ईशु पप्पा की चरनी। चलो चिकन विंग्स आ गया हमारा, कौन से प्लेट में जा रहा ना। और ये है अपना कीमा और ये अपने बंस। तो ये है कीमा पाव, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। तो ये है भाइयों अपना मटन बिरयानी, देख सकते हो कितना ही अच्छा डेकोरेशन के साथ आया है ये, लच्छे के साथ मजा आ जाएगा। और ये है अपना चिकन विंग्स, तो ये चल रहा है अपना कीमा पाव। ऐश्वर्या खा रही है कीमा पाव, ये अपना लच्छा और इसके नीचे अपना मटन बिरयानी। मस्त गरम गरम मटन, मटन कैसा बना है? बहुत ही अच्छा, बेस्ट है, मजा आ गया। फाइनली गाइस हमने खाना खा चुका है, ऐश्वर्या थक गई है, वो सो रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं। मैं ड्राइव करता हूँ, ड्राइव करते हुए ज़्यादा वीडियो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। अब व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ आपको। अब होप्स हो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये व्लॉग हम लोग का, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो दिल से आपको थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Bye-bye.